ड्राइविंग ये मेरे लिए सबसे बोर कामों में से एक है, लेकिन कुछ लोगों की ड्राइविंग देख हंसी ही नहीं रुकती, क्योंकि इनको देखकर हम कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, भाई इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया किसने। कभी गलती से भी ऐसे ड्राइवर्स की पिछली सीट पर बैठने की गलती मत करना, वरना ये लोग आपको यमराज के दर्शन करवा देंगे। पर कुछ लोग इतने माहिर होते हैं कि इन्हें ड्राइविंग का पूरा गणित पता चल गया होता है। अगर इन्हें चैलेंज दे दिया तो भैया तुम्हें इतनी छोटी सी जगह से तेज गाड़ी निकालनी है तो ये बिना सोचे कर देंगे। इनके लिए खतरनाक स्टंट्स, गजब की स्पीड, ऊंचाई, खाई, पहाड़ कुछ भी नहीं होता। इन सबको पार करके इन्होंने खुद को एक काबिल ड्राइवर साबित कर दिया होता है। तो आज हम जानने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक ड्राइवर्स के बारे में। ड्राइविंग एक ऐसा काम है जो करने के लिए आपके हाथ और पैर पूरी तरह से मौजूद होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना हाथ और पैरों के गाड़ी चला पाना लगभग मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे में तेज कार ड्राइविंग करना, और वो भी बिना हाथों के, इसे नामुमकिन ही कहा जाएगा। लेकिन एक पुलिस ड्राइवर जिनका नाम है बाटेक ओस्टालोविस्की, उन्होंने ये कारनामा बिल्कुल मुमकिन कर दिखाया है। बाटेक ने एक बाइक एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ गवा दिए, लेकिन ड्राइविंग का उनका जो जुनून था वो कभी खत्म ही नहीं हुआ, और उन्होंने अपने बच्चे दो पैरों से ड्राइविंग करना सीख लिया। कार में कुछ मॉडिफिकेशन करके उन्होंने अपने कंधों की जगह पे गियर बॉक्स सेट कर लिया, जिस वजह से वो कंधे से गियर का इस्तेमाल करते और पैर से स्टीयरिंग घुमाते। बाटेक एक माहिर ड्राइवर बन गए, और बस इतना ही नहीं, वो एक खतरनाक ड्रिफ्टर बन गए। ड्रिफ्टर वो होता है जो कार को मोड़ पे तेज रफ्तार से ड्रिफ्ट करता है, और इस तेज रफ्तार में भी कार का संतुलन बनाए रखता है। इस तरह का कारनामा कोई हाथ टूटे इंसान के बस की बात नहीं, मगर इस धारणा को बाटेक ने गलत ठहरा दिया। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना हमेशा खतरनाक ही होता है। अगर रास्ता खाली हो तो खतरा कुछ हद तक कम जरूर हो जाता है। 100 किलोमीटर पर आवर की गति से इंडस्ट्रियल एरिया, जहां सिर्फ इमारतें ही इमारतें हैं, यहां आप इतने तेज रफ्तार से कार कैसे चला पाओगे? कैन ब्लॉक इस इंसान के लिए इस तरह के कारनामे मुश्किल नहीं। कैन ब्लॉक इस दुनिया के सबसे महान ड्राइवर्स में से एक है। कैन ब्लॉक के जिमखाना सीरीज के इस दुनिया में लाखों दीवाने हैं। आपको कार चलाने के लिए सीधे रास्ते नहीं मिलेंगे और कदम कदम पर अड़चने, तो ऐसे में आप अपने सपनों की रफ्तार कैसे हासिल कर पाओगे? लेकिन कैन की तेजी को कोई नहीं रोक सकता। कैन इतनी छोटी सी जगह से निकल जाते हैं कि बस लोग देखते ही रह जाते हैं। ट्रेन से भी तेज ट्रेन की पटरियों को पार करते हैं, जैसे कि ये कोई बॉलीवुड की मूवी हो। भला कोई भी इंसान प्लेन के रास्ते में कार दौड़ाने की कोशिश क्यों करेगा? लेकिन कैन रनवे पे दौड़ते प्लेन के नीचे से अपनी तेज कार निकाल देते हैं, और तो और हेलीकॉप्टर से एक ट्रक को लटका कर उसके नीचे से अपनी जान की परवाह न करते हुए कार को दौड़ाते हैं। प्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि कैन ने नहीं छोड़ी हो। भले ही ये जानलेवा लगे, लेकिन देखने वालों को ये अलग ही मजा दे जाता है। कार के स्टंट देखना किसे पसंद नहीं होता? फिल्मों को चलाने के लिए तो कई सारे स्टंट्स में कारें बर्बाद की जाती हैं, और कई सारे स्टंटमैन खुद की जान की परवाह न करते हुए जानलेवा स्टंट्स को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक स्टंट जो गजब का नजर आता है, साइडवेज कार चलाना। दो व्हील्स पे चलती कार को देखना ही अपने आप में कमाल का नजारा है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कौन सा इंसान है जो तेज साइडवेज कार चला सकता है? उसका नाम है वैसा किविमाकी। वैसा किविमाकी ने सबसे तेज साइड व्हीलिंग करने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये गति थी 146 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज तो हम बाइक चलाने की भी नहीं सोच सकते। ये एक ऐसा काम है जो करने के लिए आपका अभ्यास काफी तगड़ा होना चाहिए। इससे भी आगे जाकर आपको ये कारनामा करने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर शायद आप इस रिकॉर्ड के करीब पहुंच पाओगे। दोस्तों, काफी देशों में कार लाइसेंस और ट्रक लाइसेंस ये अलग अलग होता है, क्योंकि एक कार चलाने वाला ट्रक को अच्छे से चला पाएंगे ये जरूरी नहीं। पेरुवियन बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर्स को देख के ये बात आपको पता चल ही जाएगी। पहाड़ों से बने ये कच्चे रास्ते पर बस या ट्रक दौड़ना किसी खौफनाक सपने से कम नहीं है मेरे दोस्त। ये रास्ते इतने संकरे हैं कि मुश्किल से कोई बस या ट्रक गुजर सकती है। ऊपर से ये जानलेवा ऊंचाई देख के लोगों की जान हलक में आ जाती है। इस तरह की ड्राइविंग के लिए खास स्किल्स की जरूरत होती है, जो शायद हर किसी के पास नहीं होती। काबिलियत होने के बावजूद इन रास्तों का भरोसा नहीं होता। हर रोज ये ड्राइवर सैकड़ों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अपनी जान पर खेलकर ले जाते हैं, वो भी चंद रुपयों के लिए। ऐसे ड्राइवर्स सच में लाजवाब होते हैं। आप में से कई सारे लोगों को चैलेंजेस पसंद होंगे। चैलेंजेस हमें और भी बेहतर बनाते हैं।
एक ऐसा ही खतरनाक चैलेंज था द ड्रैगन चैलेंज। चाइना के तियान मैन पहाड़ों में 99 टर्न्स और 999 सीढ़ियां हैं जिन्हें एक काबिल चाइनीज ड्राइवर को पार करना था। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि ये सीढ़ियां पूरी तरह से खड़ी सीढ़ियां थी जिसपे कोई कार चलाना उतना आसान नहीं था। ये जगह थी हेवन्स गेट। यहाँ के 99 टर्न्स आसमान से देखने पर किसी ड्रैगन जैसे खौफनाक नजर आते हैं। इस चाइनीज ड्राइवर ने कई सारे कारनामे किए थे लेकिन ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल कारनामा साबित होने वाला था। एक गलती उस ड्राइवर को मौत की खाई में गिरा सकती थी लेकिन उस ड्राइवर ने इसे बड़ी सफाई से पार किया और अब बारी थी इन 999 सीढ़ियों की। इससे बचने का कोई मौका नहीं होता। अगर बीच रास्ते में ही गाड़ी पलट जाती या ग्रेविटी की वजह से पीछे की ओर चलने लगती ऐसे में ये सीधे सैकड़ों मीटर नीचे गिर जाता। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद अपनी निडरता के सहारे इस इंसान ने ये नामुमकिन मुकाम हासिल कर लिया। ये किसी भी अजूबे से कम नहीं था। इस दुनिया में सबसे खौफनाक मौत होती है दोस्तों। आग से जल जाने की वजह से इसका दर्द काफी ज्यादा होता है। यही वजह है जो काफी सारे लोग आग से दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन फॉरेस्ट फायर ड्राइवर्स इन बातों को तवज्जो नहीं देते क्योंकि इनका काम ही खतरों से भरा होता है। क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो वो सैकड़ों मीलों तक भी फैल जाती है। ऐसे में आग का जायजा लेना हो या कहीं मदद पहुंचानी हो या लोगों की जान बचानी हो तो आग से सीधे हाईवे पे ऐसी तेज गाड़ी चलानी पड़ती है जैसे कि कोई फॉर्मूला 1 रेसर गाड़ी चला रहा हो। आग के लपटों से भरी जगह और आगे का कुछ भी न दिखाई दे इतना गहरा धुआं। इससे बचते हुए कार की रफ्तार बरकरार रखना आसान नहीं होता लेकिन ये लोग अपनी जान की बाजी लगाकर ये काम शिद्दत से करते हुए नजर आते हैं। सऊदी अरेबिया में कई जवान लोग ऐसे हैं जिनमें गजब की ड्राइविंग स्किल्स है। वैसे तो सऊदी अरेबिया के लोग काफी कामों में माहिर हैं लेकिन वो जिसमें सबसे काबिल लगते हैं उसे कहा जाता है साइड वॉल स्की। दो पहियों पे कार को ये बड़ी आसानी से चला लेते हैं। अगर आपको कभी ऐसे जांबाज लोगों के कार में बैठने का मौका मिले तो बिल्कुल मत बैठना वरना आपको चक्कर आ जाएंगे। ये ड्राइविंग करते करते गाड़ी से बाहर निकलकर उसी गाड़ी पे खड़े हो जाते हैं। खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर ये भी आपको हैरान कर देने के लिए काफी नहीं है तो जरा ये देखिए जनाब, एक गाड़ी पे 3 से 4 लोग खड़े हैं और तो और ये गाड़ी के पहिए भी इसी तेज रफ्तार में बदल रहे हैं। आपको हिदायत है कि आप इस तरह के स्टंट बिल्कुल भी ट्राई न करें क्योंकि भाई ये कुछ अलग ही लेवल के ड्राइवर हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बड़ी खूबी से ये अपने इस खतरनाक काम को अंजाम देते हैं इसीलिए सोशल मीडिया पे इन ड्राइवर्स के लाखों दीवाने हैं। दोस्तों ट्रक कभी भी इस तरह से डिजाइन नहीं किए जाते कि आप ट्रक के साथ कोई स्टंट कर सको। ये तो बस बड़े बड़े सामानों को इधर से उधर पहुंचाने का काम आते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो जरा रुकिए जनाब क्योंकि अब आपकी ये सोच बदलने वाली है। दुनिया के कई कॉम्पिटिशन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप ट्रक के कई सारे स्टंट्स को आजमा सकते हैं। हाँ लेकिन इसके लिए आपको ऐसे स्टंट्स में माहिर होना जरूरी होता है। कार को दो पहियों पे चलाना फिर भी आसान है लेकिन ट्रक इसके लिए बना ही नहीं होता। लेकिन जरा इस टैलेंटेड ड्राइवर को देखिए, इस बंदे ने ट्रक को दो पहियों पर चलाकर सबको हैरानी में डाल दिया। अब अलग बात है कि ट्रक को तिरछा करने के लिए इसने एक अकल लगाई लेकिन ये कमाल की है। जांबाज लोगों की दुनिया ही अलग होती है। पता नहीं ये लोग कौन सा पानी पीते हैं जो इन्हें डर ही नहीं लगता। खतरनाक स्टंट्स को अंजाम देते देते ये लोग अपने भय की सीमा को भी पार कर देते हैं। 360 डिग्री में किसी गाड़ी को चलाने वाले स्टंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? हाँ ये वही स्टंट है जिसमें कार को तेज गति देकर 360 डिग्री में बने रास्ते पर दौड़ा के ड्राइवर बच निकलता है। ये स्टंट ऐसा स्टंट है जिसे करते हुए कई लोग जख्मी हुए हैं तो कई लोगों ने जान तक गवा दी। अगर मैं कहूं कि एक ही वक्त पे 360 डिग्री में बने दो रास्तों पर आपको कार दौड़ानी है तो कोई भी स्टंटमैन मुंह मोड़ लेगा क्योंकि एक लूप को पार करने के बाद आमतौर पे वो मोमेंटम नहीं रहता जो ऐसा लूप फिर से पार कर सके। इसके लिए काफी सारी गति फिर से हासिल करनी होती है। लेकिन जरा इस बंदे को देखिए, इसने पूरी तरह से इसके पीछे का बैच समझ के और इसका अभ्यास करके ये कारनामा कर दिखाया। ये बिल्कुल कमाल ही कहा जाना चाहिए था।